नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि फलादेश 15-4 से लेकर 15-5 के बीच में कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वालों का एक महीने का 30 डेज का पीरियड। वृश्चिक राशि मंगल के घर की राशि है और बहुत ही अभी सेंसिटिव है, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। कुछ न कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है जीवन के अंदर, कुछ न कुछ जो करने जा रहे हैं उसमें से थोड़े नेगेटिव पॉइंट दिख रहे हैं। काम हो नहीं रहा, काम बन नहीं रहा, जो बनना चाहिए वो हो नहीं रहा, उल्टा से बिगड़ रहा है। जैसे आपका 8वां राहु चल रहा है, 2nd हाउस में केतु चल रहा है, पैसों की किल्लत हो गई है, धन वैभव की किल्लत हो गई है, पैसा अभी है नहीं, कामकाज ठप है, बिजनेस ठप है। ये महीने में भी आपको बहुत सारे प्रिकॉशन लेने हैं, खास करके जो आपकी आमदनी है वो रुक सकती है, पैसे पानी और अभी आपके जाम हो सकते हैं। मुझे डराने का कोई शौक नहीं है, लेकिन जो ग्रह गोचर काम करते हैं उसके हिसाब से हमको आपको बताना पड़ता है। यहाँ जो गुरु, मंगल और शनि, ये 3 प्लैनेट्स बैठे हुए हैं 3rd हाउस में। ये 3rd हाउस में गुरु आपके धन का स्वामी है, वो शनि की पकड़ में जाके बैठ गया है। मंगल भी शनि की पकड़ में जाके बैठ गया है। शनि एक ऐसा प्लैनेट्स है, ऐसा ग्रह है जो उसके ऊपर सिर्फ अंधेरा है, काला है, यम का भाई है, वो यमराज का भाई गिना गया है। उसके साथ कोई भी प्लैनेट्स बैठता है तो उसकी जो क्षमता है वो काम करने की ख़त्म कर देता है, क्योंकि वहाँ उसके पास खाली अंधेरा मिलेगा, वहाँ कोई उजाला नहीं है। इसलिए यहाँ शनि के साथ गुरु और मंगल, ये दोनों प्लैनेट्स आपकी राशि का स्वामी, आपके धन का स्वामी, ये दोनों जाके बैठे हुए शनि के साथ। इसलिए आपका रुपयों पानी सब रुक गया, पूरे संसार के अंदर सभी चीज़ें अभी जाम हो गई, क्योंकि यहाँ 2 प्लैनेट्स ऐसे हैं जो जाके बैठ गए हैं शनि के साथ। इसके लिए शनि अभी ये कुंडली के अंदर डाउन कर देता है आपको। ये महीने में खर्चे बढ़ेंगे, आपके प्रिकॉशन लेना, आपकी हेल्थ की भी आपको तकेदारी रखनी है। आपके जो कोई भी कोर्ट कचहरी अस्पताल में भी आपको चक्कर काटना पड़ सकता है, इसलिए आपको तकेदारी से काम लेना है, बहुत ही प्रिकॉशन लेके चलना है, हेल्थ का खास ध्यान रखना है। अपने मामा है, मौसी है, उसके वहाँ आपका आना जाना भी चालू रहेगा, उनसे लेकर थोड़ा कामकाज आपका बना रहेगा, उनके यहाँ व्यवहार त्यौहार करने के लिए भी आप जा सकते हो, लेकिन खर्चे होंगे। आपको हेल्थ की खास करके ध्यान रखनी पड़ेगी, आपकी जो हेल्थ है उसके लिए पहले से प्रिकॉशन आपको लेने चाहिए, ये ग्रह गोचर निर्देश कर रहे हैं। और ऐसे अगर वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।